हम लेडीज़ भी ना, चाहे हाउसवाइफ्स हों या फिर वर्किंग, खुद की केयर के लिए टाइम निकालना नियर टू इम्पॉसिबल होता है, ख़ास तौर पर जब स्किन केयर की बात हो। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ महंगे ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं। स्पेशली व्हेन यू आर 30+, यू शुड बी मोर केयरफुल अबाउट योर स्किन एंड यू शुड यूज़ एंटी एजिंग, ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग एंड स्किन टाइटनिंग नेचुरल फेस पैक्स और फेस मास्क, जिसके लिए आज मैं आपके साथ दो नेचुरल फेस मास्क की रेमेडीज़ शेयर कर रही हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ार से महंगे और नॉन इफेक्टिव प्रोडक्ट्स बाय करने की बजाय अगर घर में ही मौजूद न्यूट्रास्यूटिकल्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ कर लिया जाए ना, तो टाइम और पैसे की बचत तो होती ही है, लेकिन इसके साथ हमारी स्किन पर जो नेचुरल ग्रो आता है ना, वो ज़बरदस्त हो जाता है। और ये केमिकल से भरे हुए जो बाज़ार के प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बिल्कुल फजूल होते हैं, इनका कोई इतना इफेक्ट भी नहीं होता। और हम नेचुरली जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनका इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और वाज़े नज़र भी आता है। तो हम सबसे पहले स्किन वाइटनिंग मास्क बना लेते हैं। के लिए 1 टीस्पून मैंने हल्दी ले लिए और उसके बाद उसमें 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी दालचीनी का बारीक पाउडर डाल लूँगी और उसके बाद उसके अंदर ग्लिसरिन मैं डाल लूँगी 1 टीस्पून और उसके बाद 1 टीस्पून रोज़ वाटर डालूँगी अगर स्किन ऑयली हो। अगर ना हो तो आप इसको ना भी डालें तो ठीक है, और अगर आप लेमन डालना चाहें जूस, जिसको सूट करता है, वो भी डाल सकता है। तो उसके साथ आप इसको अब अच्छा सा एक मिक्स देकर इसकी फाइन सी आप पेस्ट रेडी कर लें। ये ख़ास करके बॉडी टैनिंग में बहुत ज़बरदस्त होता है। ये मैं वीकली यूज़ करती हूँ और ख़ास तौर पर ये वो लेडीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है जो वर्किंग होती हैं, जिनको डेली बेसिस पर घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो वंस अ वीक आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखें। तो यहाँ पर ये फाइन सी इसकी पेस्ट रेडी हो गई है और इसको इस तरह से हम उसके बाद जब ये बिल्कुल फ़ाइन हो जाएगी फिर हम इसको तैयार कर लेंगे अप्लाई करने के लिए। तो अब ये रेडी हो गई है अप्लाई करने के लिए। अब आप इसको लें और उसके बाद आप अपने स्किन एरिया पर, अपने फेस पर या जहाँ पर भी आप लगाना चाहें, आप इसको लगाकर बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से आप इसको अप्लाई करेंगे और इसको लाइट सा आप रब करते रहेंगे। उंगली के अगले पोरों के साथ आप इसको सर्कुलर मूवमेंट्स के साथ बिल्कुल हल्के हाथों से इसको रब करते रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर सिनेमन पाउडर भी है, तो इसलिए इसको आपने ज़्यादा हार्ड नहीं इसको आपने मूव करना, बिल्कुल लाइट सा आपने इसको मूवमेंट्स देते रहना है। तो इससे ये है कि ये आपकी स्किन के पोर्स के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब आप इसको सारे को मसाज 4 से 5 मिनट के लिए कर लें, फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए लगे रहने देना है फेस के ऊपर, ताकि इसका इफ़ेक्ट अच्छे से आए। स्टार्ट में तो आपको, जब आप इसको वॉश करेंगे, आपको टर्मरिक के कलर की वजह से ये थोड़ा सा येलोइश लगेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। पहले तो आपने प्लेन वाटर से वॉश कर लेना, उसके बाद कोई अच्छा सा आपने फेस वॉश लेना है और उसके साथ आपने अप्लाई करके अपने फेस को साफ़ कर लेना है। तो हल्दी और सिनेमन के हमारी स्किन पर बहुत ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक और एंटी एजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो एज गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो किसी भी किस्म के केमिकल से अपनी स्किन को बचाएं और इस तरह के नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल्स लाइक ये सिनेमन हो गया, हल्दी हो गई, इनको यूज़ करें और मैक्सिमम बेनिफिट्स उठाएं। ये देखें, अब मैंने इसको फेस वॉश के साथ अपने हाथ को साफ़ किया, आपको वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा होगा मेरे बाजू के एरिए का और मेरे हाथ के एरिए का। तो इस तरह से आप ये देखें कि आप अगर हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो कितना फ़र्क नज़र आएगा आपको। तो घर में ही मौजूद चीज़ों को यूज़ करके हमने कितना ज़बरदस्त एंटी एजिंग और ग्लोइंग फेस स्क्रब बनाकर यूज़ कर लिया, और ये हमारी सारी नेचुरल चीज़ों का ही कमाल है। ये जितनी भी हमारे किचन में मौजूद हैं, इनको यूज़ करके हम अपनी फेवरेट स्किन जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद एंटी रिंकल और एंटी एजिंग, स्पेशली 40+ लेडीज़ के लिए, तो उसके लिए मैंने मुल्तानी मिट्टी लिया 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हनी उसके अंदर ऐड कर लिया और 1 टेबल स्पून रॉ मिल्क यानी कि जो कच्चा दूध होता है, और 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर आप डाल लें अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। तो ये बहुत ज़बरदस्त क्ले मास्क बनकर रेडी हो गया। मुल्तानी मिट्टी के आपको पता है कितने फ़ायदे होते हैं, ये हमारे पोर्स को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और इसके अलावा
ये स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करती है, ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है, और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि हमारे ये फेस ऑयल्स को कंट्रोल करती है। तो इसको मैंने अपने नेक एरिया पर भी लगा लिया, तो इसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे जब मैं इसको इसके बाद पहले सिर्फ खाली पानी से पहले मैं इसको फेस पर थोड़ा सा हाथों के साथ हल्के हाथों से रब कर लूँगी, और उसके बाद खाली पानी के साथ इसको, पानी आपने साथ कंटिन्यूसली चलते रहने देना क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने पानी यूज़ करके तो उसको रब करना है। उसके बाद आप इसी तरह फिर से फेस वॉश ले लें और हल्के हाथों से फेस वॉश अप्लाई करके तो फिर उसको फाइनली जो है वो टैप वाटर से आप अपना फेस रिंस कर लें और फिर अपने चेहरे पर टॉवल को हल्का सा डैप करके इस तरह से तो आप साफ कर लें। आप देखेंगे कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा नेचुरल और एनलाइटनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत स्किन के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये था मेरा आज का कॉन्टेंट्स, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और लाइक शेयर भी कर लिया करें। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।